तो क्या उससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से कटेरी विधानसभा और अकबरपुर विधानसभा को लेकर बात हो गई? केशव प्रसाद मौर्य आरएसएस के नेता उप नहीं चुप मंत्री हैं। कई वादे करके आई थी कि किसानों का एमएसपी मूल्य निर्धारित करेंगे, सभी को सामान्य रोजगार मिलेगा और जनता जान रही है कि किसको कितना मिला। रोजगार मांगने गए तो रेलवे का रोजगार मांगा तो उनको इलाहाबाद में लाठियां चलाई गई। महंगाई से आवाम को मुक्ति दिलाएंगे, प्रदेश में विकास की गंगा बहाएंगे। यूपी में 10 मार्च को अखिलेश आएंगे, प्रदेश में विकास की गंगा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अदीप सिद्दीकी, आप देख रहे हैं एनएन लाइव। एक दिन प्रत्याशी संघ में हम मौजूद हैं अकबरपुर विधानसभा, अंबेडकर नगर जिले की सदर विधानसभा अकबरपुर में, जहां के 5 बार के विधायक रामचल राजभर हमारे साथ मौजूद है। पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके महत्वपूर्ण समय के लिए जो आपने। बहुत बहुत आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। 5 बार के विधायक रहे आप, लेकिन दल बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी, अब दल है समाजवादी पार्टी, क्या मेजर डिफरेंस है, क्या महत्वपूर्ण फर्क आप देखते हैं दोनों दलों में? देखिए, जब मैं समाजवादी पार्टी में आया तो अंदर से लेके बाहर तक कोई परिवर्तन मुझे नहीं दिखा, और मैं जिस दल में 38 साल था तो जिस मूवमेंट मिशन कर विचारधारा को लेके हमने 38 साल कार्य किया, तो उसी विचारधारा से मिलते जुलते पार्टी समाजवादी पार्टी है और हमने पार्टी ज्वाइन किया है। और चूँकि हर पार्टी हर दल का अलग अलग आइडियोलॉजी है, तो मैं अब जिस दल में हूँ तो मैं उस आइडियोलॉजी या उसकी नीतियों पे अब मैं काम कर रहा हूँ। आइडियोलॉजी की बात की आपने, बात सही है, लेकिन क्या कोई शर्त आपकी, आप और लालजी वर्मा दो कद्दावर नेता बहुजन समाजवादी पार्टी के, जो निष्कासित किए गए उस दौरान आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती द्वारा, जिन पे आरोप लगा आप लोगों को कि पार्टी विरोधी गतिविधि आप लोग कर रहे थे, क्या आप लोगों को कुछ बताया गया कि आप लोगों ने आखिर किया क्या? देखिए, हमें तो कुछ नहीं बताया गया, लेकिन जो लेटर जारी किया गया था उसमें यह था कि जिला पंचायत के चुनाव में हम और माननीय लालजी वर्मा ने पार्टी के समर्थित उम्मीदवारों का विरोध किए हैं, तो इसमें कोई सच्चाई इसलिए नहीं है। जिस घर में मैं 38 साल था और 1993 से मैं एमएलए बनता रहा, तो ये जो आरोप है ये था, वो किसी के भी जो दूसरी पार्टी के लोग हैं उनके भी गले के नीचे नहीं उतरा कि इस तरह ये दोनों जो बड़े नेता हैं या वर्कर हैं ये काम कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी में ज्वाइनिंग आप लोगों ने करीब 1.5-2 महीना पब्लिक मीटिंग के बाद की, आप लोगों ने जनसंपर्क किया अपने कार्यकर्ताओं द्वारा, फिर आप लोगों ने ये निर्णय लिया कि आप समाजवादी ज्वाइन करेंगे, तो क्या उससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से टिहरी विधानसभा और अकबरपुर विधानसभा को लेकर बात हो गई थी? देखिए, जब 3 जून 2021 को हमें पार्टी से दल से निकाला गया तो हम अपने वोटर सपोर्टर समाज के लोगों को एकजुट करना शुरू किया। तमाम लोगों ने रिजाइन दिया, सर समाज के साथ साथ राजभर समाज के लोगों ने भी, तो एकजुट करके फिर हम और माननीय लालजी वर्मा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से बिना शर्त जो है समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करने के लिए 7 नवंबर 2021 का समय मांगे, और उन्होंने 7 नवंबर 2021 को समय दिया। तो आपने देखा था रामचल राजभर संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में जनादेश महारैली किया गया भानुमती पीजी स्मारक कॉलेज में, और वहां के चीफ गेस्ट थे माननीय श्री अखिलेश यादव जी। तो एक समाजवादी पार्टी के लिए कितना बड़ा संदेश गया कि वो समाजवादी पार्टी का पारा दिन और सर्व समाज के लोग में आए थे, तो बिना शर्त हम लोग आए थे, और मतलब हमें विश्वास था माननीय श्री अखिलेश यादव पे कि जरूर हम लोगों को दोनों भाइयों को सम्मान देंगे, तो उन्होंने टिकट देकर सम्मान दिया। आप लोगों की हैसियत बहुजन समाजवादी पार्टी में बहुत ज्यादा थी, नंबर 2 की हैसियत अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, तो क्या समाजवादी पार्टी से आप लोग ऐसी उम्मीद करते हैं? तो चुनाव के बाद अब हमने नेता मान लिया माननीय श्री अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, तो जो निर्देश देंगे हम लोग करेंगे। सर, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि आपको और लालजी वर्मा जी का समाजवादी पार्टी में आने से उनका जो पहले से पार्टी स्टेबिलिटी थी, जो उनके कैंडिडेट हुआ करते थे उनको उन लोगों ने काट दिया, टिकट चेंज हुआ, यहाँ से राममूर्ति वर्मा लड़ा करते थे वो टांडा विधानसभा गए, जयशंकर पांडे जी का टिकट कटा, तो ऐसा नहीं लगता कि...
क्या उनके मेंबरों का हक छीना गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से पूरा प्रदेश तरह से पूरा देश तरह से, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के लिए हमारे जो समाजवादी पार्टी के पुराने नेता वर्कर जो विधायक के लाइन में थे, टिकट के लाइन में थे, अगर टिकट नहीं मिला, लेकिन जो आज महंगाई भ्रष्टाचार और जो है कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है, तो उससे निपटने के लिए उन्होंने तय कर लिया कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको टिकट देंगे हम लोग तन मन धन से उसको जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करेंगे, जिससे माननीय अखिलेश यादव जी दूसरी बार सीएम बन सके उत्तर प्रदेश के। सर, अभी गांव में आप जब लोगों को संबोधित कर रहे थे तो मैंने सुना कि आपने जिक्र किया राम मंदिर का जब निर्माण कार्य शुरू हुआ, जब नरेंद्र मोदी वहां आए, आपने कहा कि 200 निमंत्रण था लेकिन उसमें राष्ट्रपति को भी इन्विटेशन नहीं था। देखिए, वो तो मैंने कहा कि बैकवर्ड के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनके यहाँ हमें कितना सम्मान मिलता है, तो 200 निमंत्रण कार्ड में किसी को नहीं दिया गया। भी ही बीजेपी है, बीजेपी ही बीएसपी है, इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, इसलिए वो बाबू जाने दोनों लोग, हमें उस पर क्या टिप्पणी करना है। हम जहाँ आए हैं ईमानदारी से लगे हैं, सर समाज को जोड़ रहे हैं और हर सीट पे उसका लाभ जो है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को मिल रहा है। 5 बार आप विधायक रह चुके हैं अकबरपुर विधानसभा से, अभी भी आपको क्या लगता है कि कौन कौन से कार्य अकबरपुर के विकास के लिए बचे रह गए? देखिए, मौका मिलता है तो प्राथमिकता पे जो महामाया एलोपैथ मेडिकल कॉलेज सदरपुर टांडा में है, जिसमें तमाम जो है जांच के लिए उपकरण नहीं है, तो प्राथमिकता पे होगा कि उसमें इतना बजट लाया जाए जिससे कि जो बड़ी बीमारी वाले हैं छोटी में उनका जांच हो और दवा मिले, इलाज हो। और हम इतना प्रयास करेंगे कि दूसरे जिले वाले भी यहाँ आके मतलब जो है इलाज कराओ, उनको वाराणसी या लखनऊ न जाना पड़े, तो प्राथमिकता वो रहेगा। बाकी यहाँ तो बस जो और जिले के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो और शेष कार्य बाकी हैं उसको प्राथमिकता पर लाके अंबेडकर नगर सहित अकबरपुर का चौकी विकास करने का काम करेंगे। तो ये है हमारे साथ रामअचल राजभर, जो अकबरपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। एक दिन प्रत्याशी संघ में हम इनके साथ लगातार घूमेंगे और देखेंगे कि जनता इनके बारे में क्या सोचती है और आने वाले 3 तारीख को वो किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रही है। यूपी में 10 मार्च को अखिलेश आएंगे, चेहरे पे इस बार आएगी, मजदूर और किसानों की सरकार आएगी, बिजली 300 यूनिट दिलाएंगे। यूपी में 10 मार्च को अखिलेश आएंगे, प्रदेश में विकास की गंगा बहा, अखिलेश आएंगे, यूपी में 10 मार्च को अखिलेश आएंगे। लेकर खुशी को चेहरे पे इस बार आएगी, मजदूर और किसानों की सरकार आएगी, बिजली 300 यूनिट दिलाएंगे, यूपी में 10 मार्च को। एक दिन प्रत्याशी संघ में हम मौजूद हैं अकबरपुर विधानसभा अंबेडकर नगर जिले की सदर विधानसभा है, जहां से रामअचल राजभर प्रत्याशी बनाए गए हैं, उनका प्रचार प्रसार चल रहा है। उसी सिलसिले में एक गांव में उन्होंने विजिट किया है, वहां पर उन्होंने जन संबोधन कर रहे हैं। उनके साथ हैं एक शख्स जो अकबरपुर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि है, आनंद वर्मा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एएनएन लाइव में। धन्यवाद धन्यवाद। क्या जमीनी स्तर चाहिए इस बार रामअचल?
राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको भी भेजा है, सर्व समाज के लोग, चाहे वो हमारे कुर्मी समाज के लोग हैं, पूरी ताकत से राम मूर्ति वर्मा जी के साथ, राकेश पांडे जी के साथ, रामाचल राजभर जी के साथ, लालजी वर्मा जी के साथ, त्रिभुवन दत्त जी के साथ, पूरे जिले में पूरी ताकत से खड़े हुए हैं। आपकी लड़ाई सीधा इस विधानसभा में किससे नजर आ रही है? राज वर्मा जी जो बसपा से लड़ रहे हैं और निषाद जी जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपको टक्कर कौन देगा? हमारी लड़ाई किसी से नहीं, हम लोग एक तरफा आज की डेट में जीत रहे हैं। चंद्र प्रकाश वर्मा जी हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के धर्मराज निषाद जी, हमारी किसी से लड़ाई नहीं। हम लोग सर्व समाज के लोगों के साथ लेकर एक बार फिर से पुनः समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी को दूसरी बार सीएम बनाने जा रहे हैं। हिंदू मुसलमान सारे गले मिलकर रहेंगे, नफरत मिटा के फिर से मोहब्बत बढ़ाएंगे। यूपी में 10 मार्च को अखिलेश आएंगे, यूपी में 10 मार्च को अखिलेश आएंगे। मौजूद हूं अकबरपुर विधानसभा में कर्मा हॉस्पिटल के प्रांगण में, जहां पर एक प्रोग्राम रखा गया, जहां पर मुख्य अतिथि यहां के वर्तमान विधायक व पूर्व मंत्री रामाचल राजभर जी उपस्थित रहे। उनकी मौजूदगी में सैकड़ों लोगों ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। आइए डायरेक्ट उन्हीं से बात करते हैं। अजीत यादव जी हैं जो ये संयोजक रहे इस प्रोग्राम के। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है न्यूज लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी स्पीच मैंने सुनी प्रोग्राम के दौरान, आपने कहा कि ये लोकतंत्र का महापर्व हर 5 साल पे आता है। 2017 में हम लोगों को मौका मिला, हम लोग ने भाजपा की सरकार बनाई। अब 2022 में मौका मिल रहा है, हम समाजवादी की सरकार बनाएंगे। तो ऐसा 5 सालों में क्या बदल गया कि आप भाजपा से समाजवादी के दामन को पकड़ लिए? नहीं, मैं शुरू से ही भाजपा का दामन कभी नहीं पकड़ा था, मैं शुरू से ही समाजवादी हूँ। बस यही है कि सदस्यता मैंने आज ली है। और जहाँ तक सवाल है, ये हमारा ही विचार नहीं, जितने पूरी विधानसभा, पूरे उत्तर प्रदेश का यही विचार है कि जब भाजपा सरकार 2017 में आई थी, कई वादे करके आई थी कि किसानों का MSP मूल्य निर्धारित करेंगे, को सामान्य रोजगार मिलेगा, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। और जनता जान रही है कि किसको कितना मिला। रोजगार मांगने गए तो रेलवे का रोजगार मांगा तो उनको इलाहाबाद में लाठियां चलाई गई, उनकी छात्रों की कमर तोड़े गए। तो इसी दिन देखने के लिए क्या भाजपा सरकार बनाई गई थी। तो इसीलिए अब जन समर्थन सब भाजपा की तरफ से हट चुके हैं, अब समाजवादी की माननीय अखिलेश यादव की प्रचंड बहुमत सरकार बनेगी। भाजपा के नजरिए से देखें तो राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वो ये इस बात का क्रेडिट लेने से जरा भी नहीं चूकते कि राम मंदिर उनके सरकार में ये फैसला आया और मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। तो क्या ये उनके हित में जाता नहीं दिख रहा है? मैं भी चाहिए, आपको चाहिए, लेकिन राम मंदिर से किसी गरीब का पेट नहीं भरेगा। राम मंदिर आप बनाइए, दर्शन करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, हम उसका समर्थन करते हैं कि, लेकिन लोग जो बेरोजगार हैं, जिनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जो सड़क पर है, जो गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, जिनकी घर परिवार नहीं चल पा रहे हैं, पहले उनको देखिए, बजट उनके लिए लाइए ताकि उनका उत्थान हो सके और वो सब समाज के बराबर सबके साथ खड़े हो सकें। क्या नाम है भैया? रजनीश मौर्य, जिला सचिव जी, पदाधिकारी हैं समाजवादी पार्टी बनाए गए। जी, पहले आप किसी पार्टी? नहीं, पहले मैं भी भारतीय जनता पार्टी में था। अच्छा, बाद में हमने माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में पार्टी छोड़ दिया है। मैं अगर यहाँ इस विधानसभा की बात करूँ तो 17 में यहाँ से रामाचल राजभर जी जो विधायक हैं वर्तमान में, वो बहुजन समाजवादी पार्टी से लड़े जी। अब समीकरण बदल गया है, वो समाजवादी पार्टी में है और यहाँ से प्रत्याशी हैं। यहाँ से जो प्रत्याशी थे राममूर्ति वर्मा, वो टांडा विधानसभा भेज दिए जी। तो इसमें क्या कुछ आपको समझ में आ रहा है, कैसा रहेगा समीकरण? देखिए, हमें प्रत्याशी से नहीं मतलब, हमारा जो लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाना। जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का मजबूत रहेगा, प्रत्याशी तो हम यहाँ क्षेत्र में बनाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जो बनाएंगे हम यादव जी के बनाएंगे। और रही बात, जब हम पार्टी पे विश्वास करते हैं तो हमारे लिए राममूर्ति वर्मा और रामाचल राजभर जी से नहीं मतलब, हमें पार्टी से मतलब। हम पार्टी को वोट देंगे और सभी लोग मिल के हमारे समाज के साथ साथ बैकवर्डों और पूरे पिछड़ी जात से लेकर सामान्य लोग भी, सभी लोग यदि पार्टी को वोट देकर माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करेंगे। क्या नाम है भैया? दिनेश मौर्य। मौर्य जी, तो आप ये बताएं, स्वामी प्रसाद मौर्य के आने की वजह से मौर्य लॉबी जो है वो पूरी तरीके से क्या समाजवादी पार्टी की तरफ ट्रांसफर हो गई है? जी बिल्कुल, चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे समाज के अत्यंत वरिष्ठ नेता हैं और वो गरीबों, मजलिमों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक की बात सुनते हैं। और हम एक बार आपसे कह दें कि जो है स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे समाज के सर्वमान नेता हैं और उनके बारे में आप जानते हो, जहां रहते हैं तहां सरकार बना देते हैं। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री। केशव प्रसाद मौर्य RSS के नेता हैं, उप नहीं चुप मंत्री हैं वो।
आरएसएस के नेता हमारे समाज के नेता नहीं है। वो आरएसएस जो एक प्रकार से कुछ लोगों का संगठन है जो हमेशा नफरत की बात करता है, लोगों को अलग करने की बात करता है, वो उस समाज के नेता है। तो आदमी जोड़ कहां पाएगा, तो तोड़ेगा, तो उसको कैसे हम नेता मान लेंगे। किन मुद्दों को देख के वोट करने जा रहे हैं 3 मार्च? बेरोजगारी, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा होगा। जी जी, तो क्या उम्मीद है सपा सरकार से? अगर समाजवादी सरकार बनती है तो क्या उम्मीद करेंगे आप अपने आने वाले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से? भाई, हमारे उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जो है 10 मार्च के बाद होने जा रहे हैं, उनसे पूरी उम्मीद है कि वो युवा है, युवाओं के ऊपर पूरा ध्यान देंगे। उसमें हम लोगों को कोई सोचना नहीं है, वो हर चीज जानते हो, पढ़े बाबा की तरह अनपढ़ नहीं है कि जो क्या भाषा राजनीति में बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, उनको अभी इस बात का आकलन नहीं है। उनको ये नहीं पता है कि वो उत्तराखंड से आए और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन गए। उत्तर प्रदेश में उनसे ज़्यादा जानकार और जागरूक व्यक्ति यहाँ थे जिनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए थे। भारतीय जनता पार्टी ने भूल कर दिया 2017 में, अब उसको जो कभी सुधार नहीं पाएगी। अब की बार कितना पर? 325। विधानसभा प्रत्याशी रामाचल राजभर जी के साथ एक युवा टीम चल रही है, काफी ज्यादा युवा है, तो ये माना जाता है कि युवाओं की हिस्सेदारी बहुत अहम हो जाती है जब भी सरकार बनाना हो या परिवर्तन करना हो। तो रामाचल राजभर जी के साथ ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सईम। आप किसी पद पे हैं समाजवादी पार्टी? मैं मुलायम सिंह यादव, यूथ ब्रिगेड का जिला अध्यक्ष हूं। क्या लग रहा है सर, जमीनी स्तर पे आप रोज इनके साथ प्रचार प्रसार में घूमते होंगे, तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? देखो, लोग समाजवादी पार्टी को वोट इसलिए कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार ये मुद्दा है, और समाज के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के घोषणा पत्रों में कि हमारी सरकार बनी तो हम आईटी सेक्टर में 22 लाख रोजगार देंगे, हमारी सरकार बनी तो हम महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये समाजवादी पेंशन के माध्यम से देंगे, हमारी सरकार बनी तो नौजवानों को लैपटॉप देंगे। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो समाजवादी पार्टी के लोग केजी से लेकर एमए तक की शिक्षा को मुफ्त का काम समाजवादी लोग करेंगे। गुलशन में अब के सारे यहाँ फूल खिलेंगे, हिंदू मुसलमान सारे गले मिलकर रहेंगे नफरत। एक दिन प्रत्याशी संघ में आज हमारा कारवा था अंबेडकर नगर जिले की अकबरपुर सदर विधानसभा में, जहां हमारे मेहमान थे रामाचल राजभर, जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में विधायक और मौजूदा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। हमने आपको दिखाया उनका प्रचार प्रसार का तरीका, जनता उनके बारे में क्या सोचती है, उससे भी विधायक छठी बार मैदान में है, उनका मुस्तकबिल क्या होगा, ये तो 10 तारीख को आने वाली 10 मार्च को ही पता चलेगा। कल हमारा कारवा होगा किसी और विधानसभा में, हमारा मेहमान होगा कोई और प्रत्याशी। तब तक के लिए आप ANN लाइव चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। We'll be right back.